अस्सलाम वालेकुम वीयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद है आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी। तो मैं ईद पे अपने ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं ले सकी, तो ये खाना बनाया था ईद के सेकंड डे। मेरे भाई और उनकी फैमिली आए थे तो उनके लिए, तो उसका मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था। तो इसमें ये जो ख़ास तौर पे सैंडविचेस बने हुए थे और एप्पल जेली और फ्राइड चिकन, इसकी रेसिपी बहुत अच्छी थी। ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जी आज के दिन का व्लॉग है। तो हाँ, बच्चे जो हैं वो जा रहे थे, पार्टी थी उनकी, तो उसके लिए मैंने उनको समोसे वगैरह बना कर दिए। हाशिर ने कहा कि मैंने समोसे लेकर जाने और चिप्स, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी जो है समोसे तैयार हुए थे। और जो बेटियां हैं उन्होंने कहा हमने बिरयानी लेकर जानी है, तो उनके लिए मैं सुबह सुबह उठ के उनके लिए बिरयानी उनकी पसंद की तैयार कर रही थी। और उसका मसाला वगैरह रेडी हो गया था। मैं इसकी लेयरिंग वगैरह कर रही थी और उसके बाद मैंने ऊपर इसके ज़रदा रंग जो है वो पानी के अंदर जो मिक्स करके वो, और पुदीना और ये इमली का पेस्ट बना के ना ये डाली। इसकी वजह से बड़ी चटपटी सी बिरयानी जो है वो तैयार होती है। उसके बाद बिरयानी रेडी हो गई थी, बच्चों को मैंने हॉट पॉट में डालकर बिरयानी दे दी ताकि वो अपने फंक्शन में इसको जो है वो इंजॉय करें। और उसके बाद मैं ऊपर आ गई, हादिया जो है वो अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी, रेडी हो रही थी। उसने ना ये बड़ी फरमाइश करके साड़ी बनवाई थी, लेकिन अभी तक उसको उसकी सेटिंग इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई थी, इसके जो ये लेयर्स वगैरह होती हैं। बहरहाल ये कोई, मैंने उसकी थोड़ी हेल्प की, कुछ उसने खुद एडजस्ट करके इसको ना पहन लिया। उसके बाद बच्चे चले गए थे। तो मैं ना ये आपको एक तो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मैंने फैसलाबाद से ना बहुत रीज़नेबल प्राइस में इतना अच्छा ही कॉटन का कपड़ा था, ये तकरीबन ना एग्जैक्ट फिगर तो मुझे इसका याद नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि 4000 के अंडर अंडर ना मुझे काफ़ी सारा कपड़ा मैंने जो है ना वहाँ से बाय कर लिया। क्योंकि मैंने चैनवन वगैरह से पता किया, वहाँ पर तो बहुत ही एक्सपेंसिव ये जो कवर होते हैं, पूरे क्विल्ट कवर और पूरा जो सेट होता है साथ में बेडशीट होती है, पिलो कवर होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको ना घर में ही सारा तैयार करती हूँ। तो वो मैंने ये सारा घर में रेडी किया और बिल्कुल अपने मैचिंग का कपड़ा लेकर जो कि मेरे रूम के साथ मैच हो रहा था, तो मैंने ये इसका क्विल्ट का कवर सिलवाया और फिर साथ में मैंने पिल्लो के कवर बनवाए और जो बेड की जो है वो चादर बनवाई। और एक सोफ़ा भी मैंने अपने कमरे में रखा हुआ है 3 सीटर, तो जो सोफ़ा कम बेड है और उसका भी कवर बन गया था। और मुझे ना बड़ी खुशी हो रही थी कि इतना रीज़नेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा जो है ना वो बन गया था। थोड़ा सा पिलो के कवर के अंदर ये थोड़ा जोड़ लगा था, बाकी तो जो है ना बगैर जोड़ के चादर और सब कुछ बन गया था। तो पिलो क्योंकि मेरे थोड़े से बड़े साइज़ में है, तो इसलिए थोड़ा सा वो एक अंदर की तरफ कपड़ा डालकर भी मोड़ा था, तो इस वजह से करके ना ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छी जो है वो सारी सेटिंग हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उसके बाद ना जब ये सब रेडी हो गया
तो फिर मैंने इसको अपने रूम के अंदर सारा कुछ बिछा के देखा ही, माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा था, सब बिल्कुल एक जैसा मेरे रूम के कलर का मैंने सारा लिया था। और इतना अच्छा कॉटन का बड़ा, जो बहुत अच्छी वाली कॉटन होती है ना, वो वाला कपड़ा था। और इतना अच्छा इसका क्विल्ट का कवर बिल्कुल उसके नाप का वो बना, और ये बच के कपड़ा बच भी गया, जिससे मैंने अपनी बेटियों के जो है ना ड्रेसेस भी बनवाए। और इतना अच्छा, मुझे बार बार खुशी हो रही थी कि बड़ा इकोनॉमिकल और इतनी अच्छी चीज़ जो है ना वो कम पैसों में तैयार हो गई थी। तो मैं इंशाल्लाह ताला अब जो रूम बाकी हैं उनके भी मैं जाके ये ज़रूर बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। और जो हम बाकी, आपको पता है, ब्रांडेड जो बेडशीट्स वगैरह लेते हैं, वो तो एक कॉटन की बेडशीट ही तकरीबन 2500 तक, 3000 तक मिलती है। तो ये इतने कपड़े में मैंने सब कुछ बना लिया, और जो है ना बहुत अच्छा रूम लग रहा था, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। सारा दिन काम वगैरह कर कर, और मुझे बहुत अपना इस टाइम थकावट फील हो रही थी, खुशी भी हो रही थी कि अल्लाह का शुक्र है रूम वगैरह बहुत अच्छा सेट हो गया था, सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो गई थी। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और रात के वक्त जो हम सब ने पिज़्ज़ा को एंजॉय किया, क्योंकि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो रही थी कुछ भी कुकिंग करने की। तो ये हम जी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और आप अगर आप ऐसी वीडियोस दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।